नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात में बीती 20 जनवरी को पशु व्यापारी से हुई 5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 लुटेरे गिरफ्तार कर लूट में शामिल बाइक, तमंचे और रुपया बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस की इस रिकवरी से पशु व्यापारी बेहद खुश हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के सहजादपुर गांव के सामने हाईवे पर बीती 20 जनवरी को पशु व्यापारी से हुई 5 लाख की लूट का आज अकबरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल अकबरपुर के पशु व्यापारी जमाल कुरैशी की रेकी इलाके के ही इस्लाम लगातार कर रहा था और बीती 20 जनवरी को शातिर लुटेरे राजा सिंह हनी कुमार और धर्मेंद्र पाल के साथ मिलकर सहजादपुर गांव के सामने नेशनल हाईवे पर जमाल कुरैशी से 5 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं आज अकबरपुर पुलिस ने चारों लुटेरे इस्लाम, राजा सिंह, हनी कुमार और धर्मेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के पास से 3,70,000 रुपया, लूट में शामिल बाइक और तमंचे बरामद कर लिए हैं। वहीं महज 12 दिन के अंदर इस अकबरपुर पुलिस की इसी रिकवरी से व्यापारी समाज बेहद खुश है और रिकवरी करने वाले पुलिस टीम को सम्मानित किया। साथ व्यापारी ने पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। आपके साथ 20 तारीख को लूट हुई थी 5 लाख रुपए की, आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। आज पुलिस ने 5 लाख की लूट 20 तारीख को हुई थी 6:00 बजे। आज प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बड़ी मदद करी, खुलासा किया, हमारा पैसा बरामद किया, 3,61,800 कुछ रुपया बरामद किया और मुलजिमों को भी बरामद किया। चौकी इंचार्ज हमारे इंस्पेक्टर साहब, SP साहब, CO साहब ने बहुत बड़ी मदद करी हमारे साथ और हमारी दुर्घटना होने से बची। हमने प्रशासन के लिए हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। पुलिस की कार सही से? नहीं, बहुत खुश है पुलिस की कार। चाचा, 100 में से कितने नंबर देते हैं अकबरपुर पुलिस को आप? 100 नंबर। सर, लूट की घटना का खुलासा हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए, क्या मोटिव था लूट करने का? 20 जनवरी को अकबरपुर कस्बे में एक पशु व्यापारी के साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी। टीमों ने काफ़ी परिश्रम किया और इस लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 लाख जो रुपये लूट हुए थे, उसमें से 3,61,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त तो जो मोटरसाइकिल है और तमंचे हैं, वह भी बरामद हुए हैं। जो लूट का उद्देश्य इन लोगों का जो है, वह चूँकि इसमें कुछ अपराधी पूर्व में भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं, तो इन लोगों का जो है वो ये आसान टारगेट मिला। उनकी जो इसमें से एक जो अपराधी है, वह जो पीड़ित है, उसके मोहल्ले का ही है और वह उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता था, उसकी जानकारी रखता था और उसने ही अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। सर, वजह क्या निकलकर सामने? लूट, क्योंकि ये सभी अपराधी थे तो उन्हीं कारणों से इन्होंने जो है फिर से घटना को अंजाम दिया। सर, इनकी पहली घटना थी कि इससे पहले भी पूछताछ में सामने आया कि और भी घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं? इसमें से जो कुछ अपराधी हैं, वो पूर्व में भी कुछ घटनाएं किए हुए हैं। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी यहीं कचनार बगिया रोड के पास से नुसरतपुर मनचौरा पड़ता है, वहीं से गिरफ्तार किया गया। टीम के लिए कोई पुरस्कार? टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।